सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, वेरी गुड ईवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सारिआं नूं मेरे फेसबुक पेज ते निघा स्वागत जी। एन सो अज सोमवार की बजाय अज बुधवार नूं लाइव हो रहे हैं। सोमवार किसी कारण करके नहीं हो सके, बट अज लाइव होकर तुहाडे सारिआं नाल कुछ एक नवीं डिस्कशन करन की कोशिश करांगे। सो वीरवार दिन दा भुलेखा पै गया, जदों दा लॉकडाउन चल रहा इहो नहीं पता लगता कि सोमवार कि बुधवार कि वीरवार कि। सो सोमवार की बजाय अज वीरवार को लाइव हो रहा जी अपने पेज तो नवी डिस्कशनस लैके। पिछले मंडे काफ़ी नवी चर्चा की गई थी, बड़ी वड्डी गिनती च लोगों ने उस वीडियो सलाया। टाइम टू टाइम जी भी कोई नवी अपडेशन आती मैं फेसबुक लाइव से तुहाडे नाल साझा करने की कोशिश करता रहा। अज का लाइव टॉपिक बड़ा इंपोर्टेंट है दोस्तों, मैं चाहूँगा कि एक मिनट दो मिनट मैं वेट करना ताकि होर मेरे दोस्त भैन भरा नाल जुड़ जाए, ताकि ये वीडियो का जो इंपोर्टेंट पार्ट आ किसी को मिस ना हो। एंड प्लीज़ हाथ बन के बेनती उन्होंने सारे ये वीडियो देखने वाले लाइव सैशन वाले मेरे फैनस नू सपोर्टर्स नू भैन भरावान वीडियो अपने पेज पर शेयर जरूर कर दे। तुसी एस फेसबुक आई डी तो वेख लियो तो नाल दी नाल अपने शेयर के कॉलम से जाके जिहड़े तुहाडे फेसबुक फ्रेंड ने उहदे नाल वीडियो शेयर करोगे तो वह भी नाल लाइव जुड़ के एक चंगी एक नवेकली एक न्यू इनफॉर्मेशन के नाल अपने भविख नू अपने फ्यूचर नू एक चंगा बना सकते। आवाज़ मेरी ठीक आ रही सारे नूं मैं पूछ लवा जो लाइव इस टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मैं जवाब दे दौ क्योंकि मैं ब्लूटूथ राही और लगाया हैडफोन तो शायद करके मैं आवाज़ ना आ रही हो करके। आवाज़ ठीक आ रही है, आवाज़ की कोई दिक्कत नहीं, जो आवाज़ से प्रॉब्लम है तो मैं ब्लूटूथ उतार देना। घर च बैठे हैं, घर च ऑफिस वगू टेक्नोलॉजी तो नहीं होंगी क्योंकि ऑफिस हर चीज़ का बड़ा वधिया प्रबंध किया गया हुंदा। घर च कदे सोचे नहीं सी कि बैठ के काम करने पैणगे, घर च दफ्तर शिफ्ट करने पैणगे, बट पिछले डेढ़ महीने तो अपने घर जी दफ्तर बना के घर तो ही काम कर रहे हैं। हाँ जी रविंदर बराड़ जी थैंक यू, शुक्रिया जी। गौरव वर्मा थैंक यू जी, थैंक यू। सो एक मिनट अद्धा मिनट मैं होर वेट करना, इस टाइम 35 जने वीडियो देख रहे हैं। सो काइंडली वीडियो अपने सारे दोस्तों तक भैन भरावान तक शेयर जरूर कर दियो। अज्ज का टॉपिक है कि जेडे COVID-19 करके लॉकडाउन जेडे असी पिछले डेढ़ महीने तो घर बैठे, ये खुलन तो बाद बच्चों के जेडे बाहरले मुल्कों जाके भविख बना चाहते सी उहदे ऑनलाइन जिहड़ा सिस्टम शुरू किया गया उहदे की प्रभाव पैणगे। आई स्टिल रिमैंबर के फास्ट न्यूज़ ते साडा वीरवार नूं 7:30 शो चलता सी, उत्थे तकरीबन आई थिंक उस दिन 18 या 19 मार्च सी, उदों मैं बोलता सी कि RS गूगल ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू करता है, तुसीं घरे बैठे ऑनलाइन अपने दाखले अपलाई कर सकते हो, दफ्तरां चों दी लोड़ नहीं। और इहदे ते मेरी टीम तकरीबन 6 महीने पहलां तो वर्क कर रही सी जदों करोना दा जां COVID-19 दा कोई चित चेता भी नहीं सी। समय की नज़ाकत को समझते हुए टाइम टू टाइम बंदे नूं अपडेट रहना बड़ा जरूरी है। जिहड़ा बंदा अपडेट नहीं हुंदा जिंदगी च वह समय का हानि नहीं बन सकता। असी फोन नूं अपडेट करते हैं ताकि वायरस ना आए, लैपटॉप नूं अपडेट करते हैं, कंप्यूटर नूं अपडेट करना पैंदा, इस तरह बंदे नूं भी अपडेट रहना चाहिए जिस काम धंधे पेशे च जित वह काम कर रहा बिलोंग हो रहा। सो बेसिकली मेरी टीम जिहड़ी है वह साडी इस टीम ने डिसाइड किया कि हुण ऑनलाइन पोर्टल सानू शुरू कर देना चाहिए। मैं गल कर रहा सितंबर अक्तूबर 2019 की, उदों तो साडी टीम जिहड़ी IT मेरी टीम है उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के उत्ते मेहनत करनी शुरू कर दी सी। चलो जिहड़ी चीज़ असी अप्रैल मई च लोगों की कचहरी च रखनी सी और COVID-19 करके सानू मार्च में रखनी पै गई, बट अज बड़ा वधिया उहदा रिस्पोंस लोगों सुनन मिल रहा है। शुरुआती दिनों में कुछ कि मेरे दोस्तों ने भरावान ने जो मेरी इंडस्ट्री नाल कोई मेरे तो उम्र से छोटा कोई तजर्बे छोटा कोई मेरे तो उम्र से तजर्बे से वड्डा साडी विरोधता भी की, लोग मर रहे ने लोग करोना तो त्राह मच रही है दुनिया में तो इन्हों ऑनलाइन अप्लाई करके पैसे कमाने की पई है। उदों भी सिर मत्थे मैं सारे की गल्ला नहीं है, बट अज मैं इस गल की बड़ी खुशी है कि मेरी इंडस्ट्री के लगभग 90% मेरे जेडे दोस्त ने जेडे इस इंडस्ट्री कोई छोटे लैवल तो कोई वड्डे लैवल से कोई एक दफ्तर तो कोई 10 दफ्तर तो काम करता है, बट हर एक छोटी वड्डी कंपनी जी ओवरसीज एजुकेशन स्टूडेंट वीज़ा रिप्रजेंट करती है। अच्छ सारे मेरे भरावान ने ऑनलाइन अप्लाई कर अलग अलग अपने पोर्टलों पर मशहूरियाँ करनी शुरू कर दी, विच इज़ वेरी गुड। किसी ने फेसबुक राही, किसी ने यूट्यूब राही, किसी ने इंस्टाग्राम राही, और किसी ने TV च मशहूरियाँ करके ऑनलाइन बच्चों ऑफ लैटर अप्लाई करने लिए हुंगारा देना शुरू करता, जिहड़ा कि लोगों से एक पॉजिटिव सुनेहा जा रहा। जिंदगी दोस्तों उतराव चढ़ाव आते रहते, हर एक बंदे ने अपने इंसान ने अपनी दुनिया जिंदगी बड़े औखे माड़े चंगे वधिया समय देखे होंगे। जिंदगी हमेशा एक कुछ नहीं रही, आप जो देखते हैं हॉस्पिटल च मरीज लंबे पिया हुंदा तो उहदे जदों हार्ट की जिहड़ी बीप आउंदी है, जिंदगी ऐ चलती हमेशा
अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ध्यान ना मेरी गल सुन लियो, अज मैं बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक करना। मेरा अज का जो लाइव सैशन है ये किसी ऑफ लैटर अप्लाई करने नहीं गा, ऑनलाइन वीजे अप्लाई करने नहीं गा, एक लोगों थोड़ी जी पॉजिटिविटी एक उम्मीद एक जगाने है कि कोविड 19 तो बाद भी जिंदगी किमें चलेगी उन्होंने लैके एक पॉजिटिव मैसेज देना मेरा। तो जे तुम लगे कि मेरी गलों कोई पॉजिटिवनैस हैगी है, कोई चंकी गल कर रहा है, इंसानियत एक चंगा मैसेज दिता जा रहा, तो प्लीज़ वीडियो सुन लियो, ध्यान पूरी वेखियो तो शेयर जरूर कर दियो। सो जिंदगी हमेशा ऐ चलती है, तुम वेख्या होगा स्क्रीन पर जो हॉस्पिटल मरीज एमरजेंसी वार्ड लंबे पे होंगे आईसीयू से, तो जे लाइन सीधी हो जाए तो डेड बॉडी की निशानी है कि ताकि हार्टबीट रुक गई, जिंदगी दे हुण पटाके पै गए। सो इस तरह जिंदगी हमेशा अप डाउन चलती है, कदे खुशी कदे गमी, कदे धुप कदे छां, कदी मिर्च कदी मिठा, कदी गर्मी कदे सर्दी। सो जिंदगी विच रुत्तां वांग अप डाउन होने जरूरी है, उतराव चढ़ाव होने जरूरी। पिछले कुछ सालों तो बंदे ने बंदा इनूं बंदा समझना मतलब औखा हो चुका सी, हर एक बंदा अपने आप लगता सी मेरे तो वड्डा बंदा ही कोई नहीं, फंडूखा कोई नहीं, तो कुदरत ने कितना कितने दिखाना सी कि नहीं खड़ जा बह जा हाले मित्रा मैं बैठी हूँ पिछे। सो नेचर ने अपना पावर अपनी ताकत लोगों को दिखाई, दुनिया को दिखाई, तो अज पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट चाहे वो अमेरिका के ने, चाहे जर्मनी के ने, चाहे यूके के ने, चाहे कैनेडा के ने, अज भी हाले भी इस बीमारी का इलाज नहीं लग पाए। तो हाले आने वाले समय से कोई यह जी नेड़ता दिखती भी नहीं पई, जो परमात्मा ने कृपा की इलाज लग जाएगा। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि इस कोविड 19 तो बाद जो लॉकडाउन सरकार खोलन गई इस मई च 17 मई में लॉकडाउन तक, उस तो बाद जो अगर नहीं बढ़िया तो जो उस तो बाद जो दफ्तर या जिंदगी फिर उस रफ्तार से दौड़नी शुरू होएगी भी तो भी जिंदगी बड़ा व्डा बदलाव आना, लोगों की जीवन जांच बड़ी तब्दीली आनी है, एक नवा जन्म होना लोगों का कोविड 19 इस लॉकडाउन तो बाद। समय के नाल चलना बड़ा जरूरी है, जिंदगी अपडेशन बड़िया जरूरी है। अज ऑनलाइन का जमाना है, अज तो जे मैं कितने 30 साल 20 साल पहला गल करके वेखा, खैर असी तो उस जमाने नहीं पढ़े, मैं 30-40 साल पुराने गल करा जो साढ़े फादर साहब पढ़े होंगे, दादे दादी पढ़े होंगे, फट्टिया का जमाना से स्कूलों से, पिंड जोड़ा स्कूल होंगे ना फट्टी, जो किसी जो मतलब 18-20 साल का बच्चा उन्होंने तो शायद ना पता हो, पर माँ प्यों जरूर पता होगा कि फट्टी का जमाना होता स्कूल, दवात का जमाना होंदा सी, शाही का जमाना होंदा सी, फट्टियां ते लिखे के स्कूल तो बच्चे घर आउंदे होंदे सी। सो फट्टियां दे जमाने तो बदलते बदलते ब्लैकबोर्ड आए, ब्लैकबोर्ड तो बदलते बदलते मुड़के समार्ट क्लासेस आ गई। जे मैं गल करा किसी टाइम VCR का जमाना सी, VCR तो VCP आया, VCP तो बाद मुड़के फिर पेन ड्राइव आ गई। अज जमाना बदलता बदलता फोन च ही सब कुछ है। जे मैं टैलीफोन की गल करा, पहला किसी टाइम च टैलीफोन होंदे सी, जे मैं 1999 की गल करा, 2000 की गल करा, तो लोगों को पेजर होंगे, मैसेज आता सी बंदे नू के फलाना बंदा तेनू याद कर रहा, उन्हें इस नंबर पर कॉल करो, एक पेजर का जमाना सी। फिर हौली हौली मोबाइल आए, मोबाइल तो बाद अज इन्ने सॉफ्टवेयर आ गए, इन्नी अपडेशन आ गई, टच वाले फोन आ गए, निके निके फोन यहो जे जिथे तुसी टेक्नोलॉजी नू मतलब उहदे नाल मुकाबला ही नहीं कर सकते। नोकिया की गल करा, नोकिया के फोन 2001, 2003, 2004, 2005 बड़े चलते सी, नवा नवा एप्पल ने मार्केट फोन उतारिया टच सिस्टम वाला, उदो नोकिया नू लगा कि शायद ये टच का जमाना नहीं गा, कोई गल नहीं एप्पल देखा कि नज़र चलता। अज एप्पल ने या होर सैमसंग ने या होर कंपनियां ने अपने एंड्रॉयड फोन मार्केट कढ़े, तो अज टच का जमाना, नोकिया और टच वाली प्रणाली अज भी बराबर वो नहीं लड़ सकिया, अज नोकिया कोई पुछता भी नहीं गा क्योंकि उन्हें समय का हानि नहीं बनया, गलत फहमी च रहा। अज एप्पल अज सैमसंग अज होर भी जो स्मार्टफोन्स ने अज टच के नाल दुनिया नू अपनी मुट्ठी ते लचा के बैठे है, अज नोकिया मार्केट चो बाहर हो चुका मोबाइल तो, ये सारी गल्लां सच्चियां ने जे तुसीं समझ के देखो। सो कितने फट्टी का जमाना, कितने ऑनलाइन क्लासा का जमाना, ठीक है बच्चों ने अज ऑनलाइन घर बैठ के पढ़ना औखा लगता, मेरी बेटी भी 3rd स्टैंडर्ड पढ़ती है स्कूल, अज वो अजक परसों 3 दिन तो एग्जाम चल रहे घर घर बैठे, वो लैपटॉप पर बैठ के या व्हाट्सएप पर बैठ के वो एग्जाम हो रहे, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, शायद पंजाब दे विच जलंधर च असी ऑनलाइन एग्जाम होंगे छोटे बच्चों के जिहड़े 2nd या 3rd स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, कभी सोचा नहीं सी, लगता सी कि हले प्रणाली 2-4-5 साल बाद आएगी, क्योंकि खैर यूके च कैनेडा च मैं खुद यूके पढ़िया, कैनेडा च आस्ट्रेलिया च ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन जिहड़ी प्रणाली है ये तो सिस्टम पुराना हो चुका, उत्थे तो चल रहा बड़े सालों तो। बट पंजाब दे विच जे गल करिए, जलंधर च गल करिए, बच्चे ऑनलाइन पढ़नगे, बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देंगे, कभी किसी ने सोचा नहीं सी। अज मेरी बेटी घर बैठ के जो टैसट होंगे स्कूल के बच्चों के छोटे वो घर बैठे टैसट दे रही है। सो दुनिया के नाल चलेगा, जो नहीं ढाल पाएगा उन्होंने कितना कितने पिछे रहना पेगा। सो दोस्तों अच्छे थोड़ा जो औखा जरूर लगता, मैं मानता पंजाब के बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन लिए हाले तैयार नहीं हुए, इस गल पूरी तरह सहमत हाँ, बट आने वाला समा
ऑनलाइन एजुकेशन का ही होएगा दोस्तों, जदों भी लॉकडाउन खुलता है जिंदगी की रफ्तार उस लीक से चलते हैं, हाले साल का समा लग जाना जे मान लो 17 तो लॉकडाउन खुलता है, 18 तो बाद जो भी दफ्तर साढ़े खुलन की असं उम्मीद कर सकते हैं कि लोग बठिंडे तो या हिमाचल तो या यूपी तो या राजस्थान तो चल के उस तरह जलंधर या मोहाली विजिट करेंगे? कदे भी नहीं। लोगों के दिमाग चले जो डर बैठा करोना का, इनू निकलद निकलद टाइम लगना। एंड बीमारी भी जी हूँ साड़ी जिंदगी नाल ही चलनी है। मलेरिया किन्ने साल पहला आया सीगा, अज तक भी मलेरिया आप 100% वैक्सीनेशन इलाज तो नहीं लभ है ना, वो अल्टरनेटिव जरूर लभ लिया। सो करोना के भी 100% इलाज मैंने लगता नहीं लभ पाएंगे, बट यस यदा प्रिकॉशन रखनिया पैनगिया। अज मूँह ते मास्क लाना या बार बार हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद हाथ सैनिटाइज करने, या सैनिटाइजर अपने दफ्तर मेज ते रखना, टेबल ते रखना, रिसेप्शन ते रखना, हर थान ते तुहानू सैनिटाइजर लभने शुरू हो जाएंगे। लोगों के मूँह ते मास्क पिया करनगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहा करनगे। तो जे मैं सोशल डिस्टेंसिंग गल करा कैनेडा वर्गे, अमेरिका वर्गे, यूके वर्गे मुल्कों तो पहले लोग जिते भी थान पर खड़ते क्यू च खड़ते लाइन च खड़ते तो उत्थे पहले फासला बना के रेंदे। ये अपने हिंदुस्तान पंजाबियों जात सी कि आप लाइन से कभी लगन की कोशिश नहीं की, बंदे उपर चढ़ने की कोशिश की। खैर इस करोना ने COVID-19 ने वो भी एक डिस्टेंस बनाना दसता। सो सरकार ने 1.5 महीना घर बिठा के लोगों के दिमाग च मना च दिलों च एक आदत पा देनी है जो पै भी चुकी है। क्योंकि नॉर्मली मैं पढ़ता कि ह्यूमन नेचर 30 दिन जो लगातार बंदा करता है वो 30 दिन बाद एक आदत बन जाती, वो हैबिट बन जाती है। सो सरकार ने यह तुम हैबिट बना के देती भी सोशल डिस्टेंसिंग बनानी जरूरी है। सो इलाज का 100% नहीं लगना, अगे दफ्तर खुलन तो बाद भी जो दुकाना दफ्तर सब कुछ खुलेगा उदों भी सोशल डिस्टेंसिंग आप बनानी पेगी। मैं साढ़े CM मिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का बयान सुन रहा है, उन्होंने कह रही जो भी COVID-19 का लॉकडाउन अभी खोलेंगे उस तो बाद तुहाडे परिवारां दी, तुहाडे अपने इंपलॉयज की, तुहाडे आले दुआले लोगों की जिम्मेवारी तुहाडी खुद की होएगी। सरकार ने पहला तुहानू एक बार अंदर बिठा के लॉकडाउन चाहे डंडे के जोर ना चाहे प्यार के जोर ना तुहानू घर च बिठा के सोशल डिस्टेंसिंग का पहाड़ा पढ़ाता है, हुण अगे तुहानू खुद नूं इस गल का ख्याल रखना पएगा। सो मेरी गल दोस्तों अज रिकॉर्ड कर लियो, ये गल मैं मार्च के अखीले हफ्ते बोली सी, हर हफ्ते बोलता आ रहा तो उस गल का असर सानू पिछले 15 दिन च दिखना बड़ा जल्दी शुरू हो चुका है। एक मेरे कंसल्टेंट भरा का मैं नाम नहीं लाऊंगा क्योंकि ना मैं मैंने पिछले 6 महीने तो तुम देखा होगा फेसबुक पर मैं बहुत ही ज़्यादा लोगों की गल नहीं करता। अगे एक टाइम से दिमाग च जल्दी खिज आ जाती सी, गुस्सा जल्दी आ जाता सी, जो लगता सी कुछ माड़ा हो रहा मैं झट फेसबुक पर बोल दिंदा सी ते उन्हों लोग कहते राही तवा लाँगा बाकी जंटा का। तो मैं लगभग 6 महीने साल तो बंद करता सी, अज भी खैर खेरा तवन लाऊंगा। सारे मेरे भरा रब ने जिन्नी किसी को बल बुद्धि दिमाग दिता अपने मतलब मुताबिक लोग वरतने की कोशिश करते हैं। एक कंसल्टेंट ने खैर नाम तो नहीं लिया साडा, उन्हें बोला भी जेडे ऑनलाइन लोग अपलाई कर रहे हैं वो लोगों लुट खसुट कर रहे, ठगी मार रहे हैं। 1 अप्रैल उस मेरे भरा ने वीडियो पाई सी, 15 अप्रैल खुद उन्हें ऑनलाइन की अपने पेज पर मशहूरी करती सी। सो 14 दिनों में कितना सिचुएशन चेंज हो गई दिमाग की, हूँ लग गया पता भी जमाना ऑनलाइन का ही होना है। सो आप फिर क्यों पिछे रहिए? मैं किसी फिर रिपीट करता मैं माड़ा नहीं कह रहा, विच इज़ वैरी गुड, एक बड़ा वधिया मैसेज है सोसायटी में लोगों च कि आने वाला समा जिहड़ा ऑनलाइन का होएगा। सो तुहानू हुण तों ही तैयार होने की लोड़ है, तैयार होना शुरू हो जाओ। सो जिहड़े मेरे भरा मेरे दोस्त इस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं हाले भी वो अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पासे नहीं तुरे या लगता कि इस तो बिना गुजारा होगा, सो काइंडली मैं बन के बेनती करता प्लीज़ थोड़ा जहा अपडेट होने की लोड़ है, आने वाला समा जिहड़ा है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ही होएगा। क्योंकि ऑफरस लैटर ऑनलाइन आदि ने, अंबैसीज वीजे ऑनलाइन अप्लाई करवाउंदियां ने, रिजल्ट्स तुहानू ऑनलाइन मिलते हैं। सो ऑफर लैटर लैण का काम या दफ्तर जिहड़े लोग आउंदे सी काउंसलिंग लैण का काम भी हुण ऑनलाइन शुरू हो चुका है। सो RS गोबल की टीम घर बैठे कैनेडा तुम सितंबर इनटेक लिए अपलाई करना चाहते हो तो साड़ी वैबसाइट www.rsglobalimmigration.com पर जाके एक सिंपल जहा फॉर्म फिल करना, कोई बहुत कॉम्प्लीकेटेड फॉर्म नहीं, नाम भरना, कॉन्टैक्ट नंबर और बेसिक अपनी एजुकेशन डिटेल देनी है। मेरी उस तो बाद जी टीम है वो तुम खुद ऑडियो कॉल दे राही या वीडियो कॉल दे राही घर बैठे तुम सलाह मशवरा देने तैयार है कि तुम एलिजिबल हो या नहीं हो, जे एलिजिबल हो तो किड़ी कंट्री ली हो, किड़े कोर्स ली हो, किड़ी यूनिवर्सिटी तुम दाखला लै सकते हो, फीस स्ट्रक्चर की और किड़ा बैच। असी गल करते जो मैं दफ्तर च बैठता सी रोज़ तकरीबन 50 to 100 स्टूडेंट जो स्टाफ स्टूडेंट से मिलन होंगे सी और हर बच्चा अपने पूरे परिवार को पूरे टब्बर ना लैके नहीं आ सकता सी, 1 या 2 जने नाल होंगे सी। सो हुण सगों घर बैठे वीडियो कॉल रहे पूरे परिवार नाल बैठ के सलाह मशवरा लै सकते हो, पूरी फैमिली नाल बैठ के तुसी मेरे नाल मेरी टीम नाल गल कर सकते हो, विच इज़ वैरी गुड। अज कुछ गल्लां करनियां न्यूजीलैंड नूं लैके, न्यूजीलैंड नूं लैके अपडेट इनफॉर्मेशन सवेरे सवेरे आई साडे कोल जिहड़ी तुहाडे नाल मैं सांझी करना चाहूँगा। मेरे अज न्यूजीलैंड विच मेरे वकील नाल गल भी हो रही सी, साडे उत्थे लॉयर ने जिहड़े इमीग्रेशन लॉयर ने साडी गल भी हो रही सी, ओह कह रहे जी
ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆ ਸਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਸੋ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੇਵਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ 5 ਵੀਕ ਉਹਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰੱਖਿਆ, 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 20-22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 27-28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਓਨਲੀ 20 ਡੈਥਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਰੋਨਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਆਊਂਗਾ। ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਏਅਰਲਾਈਨ, ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਲੋਸ ਹੈ। ਲੋਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ ਮੁਲਕ? ਅਫਕੋਰਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਇੱਕ ਰਫ ਜੇ ਆਈਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਬੈਸੀ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ, ਬੰਬੇ ਅੰਬੈਸੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਐਟ ਸਪਟੰਬਰ ਇੰਟੇਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੌੜੇਗਾ, ਭੱਜੇਗਾ। ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੋ ਮੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਪਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਪਤੰਬਰ 'ਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ $585 ਪਰ ਵੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ $100 ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ $80 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ $7,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ 80% ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਟਗੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਸੇਫ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ 100% ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਈ ਕਾਲਜਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਵੇਵ ਆਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਡਾਲਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਅਗਰ $20,000 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ $5,000-6,000 ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, $15,000-15,000 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਫੀਸ $20,000 ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹਦੀ ਫੀਸ $15,000 ਸੀ ਉਹ $12,000-13,000 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਯੈਸ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯੈਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿਮਟਮਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 14-15 ਦਿਨ ਦਾ, 2 ਵੀਕ ਦਾ ਜਾਂ 3 ਵੀਕ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
सो ये चीज़ा आने वाला समा दसेगा कि इस लॉकडाउन तो बाद जो दुनिया फिर वापस उस लीह पर आँदी है सरकार किदा के पैरामीटर्स किदा के डूज एंड डोंट्स जारी करती है दिशा निर्देश जारी करती है जिवें पंजाब दे विच भी कुछ एक शहर जिहड़े ग्रीन जोन च हुंदे सी खोले गए ने खैर जलंधर रैड जोन च आ रहा अमृतसर रैड जोन च आ रहा सुनो चाहे मोहाली खुल रहा हौली हौली करके जिवें दस्सिया शराब के ठेके खोले गए ने कितें कितें मतलब जिथे पहला सिर्फ असेंशियल चीज़ों वाली दुकाना खोल रही सी जिते राशन पानी या रोज़मर्रा की जिंदगी के समान वाली गल सी उत्थे हौली हौली करके हुण शराब के ठेके भी खोलते गए कोई लोग इहदे पक्ष आ कोई लोग इहदे विरोध आ खैर वो मेरी इस मुद्दे का हिस्सा नहीं बट गल कर रहा कि हौली हौली करके सरकार हुण इस लॉकडाउन खोल के लोगों की आम जिंदगी वापस लियाउण की कोशिश कर रही क्योंकि किन्ना चिर तुसीं लोगों नूं घर च बन्न सकदे हो यार जे करोना तो बंदा मर जाएगा भुख ना वैसे मर जाना जे करोना तो बच गया तो भुख ना मर जाना क्योंकि अंदर बैठा चाहे छोटा बिजनेसमैन चाहे वड्डा बिजनेसमैन है विदाउट इनकम विदाउट रेवेन्यू तो किन्ना चिर जींदा रहेगा। मैं छोटे बंदे की गल करदा जिहड़ा रेहड़ी ला के रिक्शा चला के कोई गोलगप्पे रेहड़ी लाउंदा कोई टिक्कियां बर्गर की रेहड़ी लाउंदा कोई रिक्शा चला के कोई हर एक बंदा जिहड़ा अपने परिवार का रोज़ पैसे कमा के ढिड भरदा सी वह बंदा डेढ़ महीने तो अंदर बैठा किवें अपने परिवार का ढिड भरेगा। और सरकार पुलिस महकमा या जो दानी सज्जन ने एन जी ओज़ ने वो भी किन्ना किसी लोगों का ढिड भर देनगियां राशन पा देनगियां एट द एंड ऑफ द बच्चे बंदे खुद उठ के अपनी जिंदगी लिए आप ही खड़ना पैना। सो सरकार ने इस गल का पता सी ज़्यादा देर लॉकडाउन करके लोग अंदर नहीं रख सकते बड़ी वड्डी पद्धर से जे एक छोटे बिजनेसमैन का नुकसान हो रहा वड्डे बिजनेसमैन का हो रहा है उत्थे सरकार का भी नुकसान हो रहा टैक्स नहीं आ रहे सरकार को कल टैक्स नहीं आऊगा सरकार का खजाना कौन भरेगा। सो ये साढ़े ताे मैं छोटा जहा बंदा मेरे शायद समय की गल नहीं बड़े व्डे लैवल दलों ने यह सरकार भी दुनिया चलेगी दफ्तर चलणगे बिजनेस चलणगे ट्रक बसा कारा चलनगियाँ दुनिया वापस उस लीह पर आएगी ता ही उन्होंने सरकार टैक्स आने हैं चाहे पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा लो चाहे शराब पर टैक्स ला लो चाहे चीज़ों पर टैक्स ला लो चाहे कारा टैक्स ला लो ट्रांसपोर्ट पर टैक्स ला लो चाहे वो रोड टैक्स ला लो हर थान पर टैक्सा के नाल ही सरकार चल दी हैं। अगर साड़ी कमाई कम करके वीजे लगा के होंगी सरकार की कमाई भी टैक्सा तो होंगी है सरकार भी इस तरह खजाना खाली करके बैठी बट फिर भी साढ़े प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने साडे कैप्टन साहब ने जिहड़े सीएम ने पंजाब के बड़े वधिया पद्धर से बड़े वधिया समय से लॉकडाउन करके बड़ी संजीदगी दे नाल बड़ी गंभीरता दे नाल इस चीज़ नूं लैके अज अपने जिहड़े वासी ने चाहे पंजाब के चाहे हिंदुस्तान के उन्होंने इस बीमारी तो बड़ी वड्डी पद्धर से बचाया। जे अज मैं छोटे छोटे मुल्क इटली की गल करा या मैं जर्मनी की गल करा या मैं स्पेन की गल करा यूके की गल करा छोटे छोटे मुल्क ने इंडिया के मुकाबले एरिया विच भी ते वसों विच भी पॉपुलेशन विच भी पर बड़ी वड्डी पद्धर से बीमारी ने नुकसान किया उन्होंने मुल्कों बट हिंदुस्तान जिते 125 करोड़ की आबादी है उत्थे फिर भी नुकसान इन्होंने मुल्कों के मुकाबले बहुत घट होया क्योंकि सही समय से लॉकडाउन करता गया। सो कहते ना सही समय से लिया सही फैसला सही तुहानू जिंदगी दे मुकाम ते पहुँचा दिंदा है पर गलत समय से लिया गलत फैसला या फिर गलत समय से लिया सही फैसला ये दोवें तिने चीज़ा नुकसान पहुँचाउंदियां ने। फैसला भी सही होना चाहिए डिसीजन शुड बी राइट और टाइम शुड बी राइट। सो सही समय घर बैठ के तुसीं अगर अपने भविख नूं लैके चिंतित हो मैं अपनी टीम नाल गल कीती सी जिहड़े तकरीबन 70-80-100 बच्चों ने साडे कोल अलग अलग मुल्कां दियां कैनेडा दियां आस्ट्रेलिया दियां यूके दियां ऑफर्स लईआं ने उहनां दे असीं टेस्टीमोनियल मंगवा के बहुत जल्दी तुहाडी कचहरी च फेसबुक दे राहीं यूट्यूब राहीं आपां बनवा के वीडियोज़ उहनां दे पवा रहे ताकि तुहानूं वी उहनां वल वेख के हल्लाशेरी मिले कि किवें एक बच्चा घर बैठा जो परेशान सी मेरी बड़े बच्चों नाल गल हुई क्योंकि इस लॉकडाउन दे विच मैं खुद मैक्सीमम बच्चों नाल स्टूडेंट्स नाल गल करन दी कोशिश कर रहा। एक कुड़ी नाल मेरी गल हो रही सी मनप्रीत कौर शायद नाम उहदा मोगे तों सी कितों बेचारी घर इन्नी ज़्यादा परेशान सी उन्हें अप्रैल के आई थिंक 6-7 तरीक में मैंने फोन किया मेरे टीम तो नंबर लैके वो कहती सर मेरे 6:30 से मेरी सारी जिंदगी का अगला भविख का दारोमदार कैनेडा के वीजे से टिके हुआ पर पिछले 15 दिन तो मैं घर बैठी 20 तरीक तो अच्छे लगभग 10-15 दिन हो गए मैं लगता कि शायद मैं अपना भविख नहीं बना पाऊंगी और कितने कितने मेरे दिल च नैगेटिव ख्याल भी आते हैं कि इदा की जिंदगी चंगा मैं सुसाइड ही कर ला ये लिटरली उस कुड़ी के वर्ड से मेरा दिल करता मैं घर बैठ के कि सुसाइड ही कर ला मैं लगता मेरा भविख अंधेरे चल गया बट अज उस लड़की की ऑफर लैटर आ चुकी है मॉन्ट्रियल के कॉलेज उहदा CAQ अपलाइड है फीस बच्चे ने भरी है जो तो लॉकडाउन खुलेगा फ्लाइट खुलनगे बच्चे का वीज़ा ला के बच्चे की जिंदगी शुरुआत होगी। सो मेरा मैसेज लोगों नूं घर बैठे पॉजिटिविटी देन दा है दोस्तों मैं कोई कमर्शियल कॉल नहीं कर रहा ठीक है पैसे कमाउण दा सारिया जरिया हो सकता बट इस माड़े समय से मेरा मकसद लोगों दी जेबां भर के जेबां चों पैसे खो के अपने ढिड भरना नहीं है लोगों च एक पॉजिटिविटी एक होप फैलाउणा जिंदगी का इस माड़े दौर चो अगर गुजर रहे हैं तो कोई गल नहीं रात थोड़ी लंबी जरूर है पर दिन चढ़ेगा सूरज फिर चढ़ेगा आप उस दिन से जरूर पहुँचागे। सो घर बैठे हो जदों भी लॉकडाउन खुलता जो सोच रहे हो कि उदो मैं दफ्तर जाके किसी के कंसल्टेंट के ऑफर लैटर लैके सितंबर इंटेक से चल जाऊँगा तो
बहुत वड्डी गलत फहमी चो। जिहड़े बच्चे 2020 एग्जाम नहीं दे सके जिहड़े रह गए उन्हां लई तां सितंबर भुल्ली जाओ। जिहड़े बच्चे 2019 पास होने जिन्हां दा 2020 जां सितंबर जां किसी होर इनटेक रिफ्यूजल आया, वह बच्चे घर बैठे सितंबर इनटेक लई अपलाई कर सकते हैं। कैनेडा अपलाई करना चाहते हो तुसीं पहलां रिफ्यूज़ हो चुके हो, तुहाडे बायोमैट्रिक होए ने, तुहाडा GAC होया पिया, तुसीं केवल बिना कोई पैसा दिते, नोट एक सिंगल पैनी दिते बिना तुसीं मेरी टीम नाल गल करके ऑफ लैटर लैके अपने सितंबर इनटेक च अपलाई कर सकते हो। चाहे लॉकडाउन नहीं भी खुलेगा तुहानू बायोमैट्रिक करवाउण दी लोड़ नहीं, ऑनलाइन तुहाडी फाइल मैसेज हो जाएगी, क्योंकि कैनेडा विच भी जो मेरी गल हो रही है तकरीबन जून के पहले हफ्ते तो या दूजे हफ्ते तो सारा कुछ खुलन दीआं संभावनावां ने। खैर मैं फिर रिपीट करांगा, मैं पॉजिटिव एनर्जी वाला बंदा, मैं तो हमेशा पॉजिटिव गल करनी है। पानी के गिलास में अद्धा पानी भरया अद्धा खाली, तो मैं तो पानी अद्धा भरया कहना, मैं अद्धा खाली नहीं कहना, क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचता मालक। सो तुसी भी सारे मेरे दोस्त, मेरे भैन भरा, मेरे बच्चे जिहड़े बाहर जाके भविख बनाना चाहते हैं, चाहे वीडियो देख रहे मेरा कोई कंसल्टेंट भरा जो इस इमीग्रेशन इंडस्ट्री बिलोंग करता है, की पॉजिटिव, अपने आप पॉजिटिव रखो, लोगों पॉजिटिव स्नेहा बचाओ। जिंदगी का माड़ा दौर जरूर चल रहा, बट सवेर बहुत जल्दी होएगी और बड़ी वधिया धमाकेदार, बड़ी धुप्पदार, बड़ी वधिया छांदार धुप्प सवेर होएगी जिते तुसी वधिया जिंदगी नूं इंजॉय कर सकते हो। सो किसी भी कंट्री च वीज़ा अपलाई करना चाहते हो, वीज़े हाले नहीं अपलाई हो रहे, बट यस इस सही समय पर तुसी अपने घर बैठे इंस्टैड ऑफ यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी इन नैगेटिव थिंग्स, किसी न्यूज़ चैनल सुन के करोना प्रति डर रहे हो, फेसबुक ते यूट्यूब ते सोशल मीडिया तुसी बैठ के नैगेटिव खबर सुन सुन के नैगेटिव हो रहे हो, तो बजाए तुसी आपकी रिसर्च उत्ते जोर लाओ। कैनेडा पढ़न जाना ने, ऑस्ट्रेलिया पढ़न जाना है, न्यूजीलैंड पढ़न जाना है, जिस कोर्स विच पढ़ना चाहते हो उस कोर्स के कंटेंट नूं लैके पढ़ो। इस करके असीं अपनी वैबसाइट ते बार बार प्रमोट कर रहे हैं, साडी वैबसाइट ते जाके मैडिकल स्ट्रीम वाला बच्चा, नॉन मैडिकल स्ट्रीम वाला बच्चा, कॉमर्स वाला बच्चा, आर्ट्स वाला बच्चा, बीटेक वाला बच्चा, बीकॉम वाला बच्चा, BCA जिन्हें की है, BBA जिन्हें की है, सो हर एक स्ट्रीम अलग अलग वाला बच्चा अगे किदा के कोर्स किदा के सब्जेक्ट चूज़ करके एक चंगे भविख वाल तुर सकता है, जिथे उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलन, एक चंगा भविख मिले। मेरी कैनेडा च बच्चे ना गल हो रही थी तकरीबन 3 मार्च में, आई थिंक बच्चा अपलाई किया, क्लासेस वो बच्चे की ऑनलाइन लग रही ने। बच्चे का नाम है नवीन, मोहाली ब्रांच का बच्चा सी, एंड मैं उन्होंने पूछा, मैं यार लॉकडाउन करके फिर हम पैसे पूसे कि घरों मंगवा रहे हैं या GAC वाले पैसे वरत रहे हैं, कहता सर मेरा कॉलेज का बेशक ऑनलाइन क्लासा लगवा रहा है, जो मैं 20 आवर्स पर भी काम करने की परमिशन, मैं वो 20 आवर्स काम कर रहा एंड किसी डिपार्टमेंट स्टोर से लगा। बच्चा बड़ा वधिया, नो डाउट कैनेडा में UK ऑस्ट्रेलिया बच्चों की जॉब काफ़ी हद तक खुस गई ने, जॉबलैस बच्चे हो चुके, पर जरा पॉजिटिविटी वाला बच्चा ना वो अभी भी वधिया थाने काम कर रहा है, क्योंकि सारे पासे ऑस्ट्रेलिया बंद नहीं है, बॉर्डर्स बिल्कुल बंद ने, बट अज भी उत्थे जिहड़ियां असेंशियल जिहड़े असेंशियल जिहड़े डिपार्टमेंटल स्टोर ने खुले ने, बच्चे उत्थे भी जॉब कर रहे हैं। सो पॉजिटिविटी रहने की लोड़ है, जिथे आप रोज़ खबर पढ़ते हैं, अज इन्ने केस हो गए जलंधर, अज पंजाब इन्ने केस हो गए, अज बॉम्बे इन्ने केस हो गए, केस तो दोस्तों वधने ही है, घटने नहीं गए, क्योंकि जिहड़ी बीमारी एक बार किसी थान से लग चुकी उन्हें हुण हौली हौली घटना नहीं गा, हाले फिलहाल वधना ही है। यदा एको एक हल है कि तुम इस लॉकडाउन खुलने तो बाद भी अपनी आदतें अपनी जिंदगी विच इस तरीके बदल लियाओ कि आप प्रिकॉशनस लैके इस बीमारी नाल फाइट कर सकिए। यह बीमारी कोई यहोजी नहीं जी नहीं रिकवर हो सी, मेरी गल हो रही थी न्यूजीलैंड 88% पेशेंट्स रिकवर हुए हैं, 2500 तो उपर उ आई थिंक पेशेंट नहीं लगे गए पूरे न्यूजीलैंड, खैर बहुता वड्डा मुल्क नहीं है, 2500 तो उपर पेशेंट नहीं सी और 88% लोग रिकवर किए हैं, बड़ी वड्डी गल है। अज की जी मैं न्यूज़ होगी अपने फेसबुक पेज पर लिंक साझा करा, जो उत्तों के मिनिस्टर्स ने बयान दिए हैं, इमीग्रेशन जोड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिए उन्होंने दरवाजे खोलने शुरू कर देने हौली हौली करके, बड़ी वधिया खबर है। ऑस्ट्रेलिया बारे गल करा, लगता नहीं कि जुलाई इनटेक चल पाएगा उत्थे, क्योंकि 6 महीने ऑलरेडी बॉर्डर बंद किए हुए हैं, उत्थे जुलाई सितंबर के इनटेक थोड़े औखे लग रहे, बट January 2021 के केस जोड़े इनटेक ने या अक्तूबर जोड़े 20 के इनटेक ने उद्दे लगता कि बच्चे अपने दाखिले अपलाई कर सकते, बट ऑस्ट्रेलिया मैं किसी बच्चे को फीस भरने की सलाह नहीं दे रहा, कैनेडा मजदूर बच्चे को फीस भरने की सलाह दे रहा, UK भी और ऑस्ट्रेलिया भी जोड़े बच्चे की ऑफ लैटर आ गई है, मैं हाले फीस भरने की सलाह नहीं दे रहा। बहुत सारे ये मेरा वीडियो कंसल्टेंट भरा भी देखते होंगे, वह भी अपने क्लाइंट्स दस दिन, UK तो ऑस्ट्रेलिया हाले हफ्ता 10 दिन वेट करो, मई की 20 तो बाद डिसाइड होएगा कि फीसा भरनिया चाहिए कि नहीं। कैनेडा तुम बेफिक्र होकर किसी भी सरकारी कॉलेज दाखला लिया या मॉन्ट्रियल के किसी कॉलेज दाखला लिया, अपनी फीस भर के अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर सकते हो, जो लॉकडाउन खुलता है तो आपकी फाइल ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हो। सो दोस्तों अज के लिए जी गल कर, मैं काफ़ी तो कर चुका,
जो होर कोई गल दिमाग च डेफिनेटली तुहाडे नाल करांगा। जे तुसीं कोई सवाल मैनूं पुछना चाहुंदे हो तां अगले तकरीबन 15 मिनट मैं होर तुहाडे नाल लाइव हाँ। अगले 15 मिनट तुसीं कोई भी किसी भी तरह का स्टूडेंट वीज़ा लै के हाँ पक्के तौर पर PR जी कैनेडा की है उस मेरी टीम है जो लोगों को बड़ी वधिया एक ट्रांसपेरेंट सर्विस दे रही है। तुसी फैमिली दे नाल बिजनेस वीज़ा ते या इन्वेस्टमेंट वीज़ा ते या एक्सप्रेस एंट्री या PNP दे अंडर तुसी अपना केस लॉन्च करना चाहते हो अपनी असैसमेंट करवाना चाहते हो क्योंकि PR ना तो बंद हुई सी ना हुई है ना होनी है। हाँ प्रोसैस जो 9 महीने का या 12 का वो बढ़ के 16 महीने का जरूर हो चुका होगा। सो PR तुसी अपनी फैमिली नाल अपलाई करना चाहते हो, तुसी ग्रेजुएशन की है, तुहाडे IELTS 7 बैंड्स ने या किसी किसी कैटेगरी 6.5 ही ईच चाहिए होंगे, तुसी अपने IELTS के बैंड्स अपनी क्वालिफिकेशन अपने एक्सपीरियंस अपनी एज ये सारी चीज़ों के आधार पर अपने पॉइंट की असैसमेंट करवाना चाहते हो तो भी मेरी टीम 70500 से संपर्क किया जा सकता या फिर अपना अपडेटेड CV इनकुआरी RSGlobal@gmail.com सेंड किया जा सकता। सो हूँ अगले 15 मिनट तुहाडे सवालों का जवाब दूंगा। तुसी किसी भी कंट्री बाबत कोई भी तुहाडे दिमाग सवाल है ओवरसीज एजुकेशन नूं लैके अपने भविख नूं लैके करोना इस लॉकडाउन तो बाद इंडिया तुसी की कर सकते हो बाहरले मुल्क जाना चाहिए कि नहीं किहड़े मुल्क जाना चाहिए किहड़े कंट्री की ऑफर आई है फीस भरनी कि नहीं भरनी किसी तरह का कोई सवाल है तो मेरे नाल लाइव जुड़ के पूछ सकते हो। चंगीआं लगीआं गल्लां तां काइंडली वीडियो शेयर करना ना भुल्लिओ कि तुहाडा एक एक कीता होया वीडियो शेयर अगर किसी उस एक बच्चे तक पहुँच गया जिन्हें तक यह गल पहुँचनी चाहिए सी वो अपने माँ प्यो का एक सुपना पूरा कर पाएगा उस पूरे परिवार दियाँ टब्बर दियाँ दुआवां तुहानूं जिंदगी च मिलणगीआं। सो सवाल तो काफ़ी आ चुके ने मैं देखे होना यार सारे जिन्हां ने गुड ईवनिंग किया सारिआं कट्ठी सांझी गुड ईवनिंग। सुखविंदर सिंह सत श्रीकाल, राई साहब सत श्रीकाल जी, रविंद्र बराड़ हाँ जी सत श्रीकाल, साढ़े गुड गौरव शर्मा थैंक यू हाँ जी, थैंक यू नीरज जिन्होंने वीडियो शेयर की उन्होंने बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वीडियो नहीं शेयर की उन्होंने भी धन्यवाद। सवाल गुड ईवनिंग तो अलावा सवाल इसमित कौर का सवाल है सर कैन आई हैव टू पे मनी बिफोर ऑफर लैटर। नो डियर तुसी साड़ी किस कंपनी नू कोई प्रोसैसिंग फीस कोई ऑफर लैटर की फीस नहीं पे करनी। यस जिस जिस कॉलेज की ऑफर लैटर की कोई 40-50-100 डॉलर फीस होएगी तुसी वो भी ऑफर लैटर आने तो बाद पे करनी है। मेरी टीम 70500 तो तुहानू पूरी सलाह देने तैयार है बट फिलहाल तुसी कोई भी साड़ी कंपनी की प्रोसैसिंग फीस ऑफ लैटर अप्लाई करने के समय नहीं पे करनी। कुलदीप कौर गुड ईवनिंग। अंजू काजल का सवाल है सर चांसेस फॉर सितंबर इनटेक UK। मैं दस के हटा नहीं UK हले तकरीबन दसना थोड़ा जहाँ मैं टफ लगता है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के रिप्रजेंटेटिव ने वो तो फीसा भराने कह रहे हैं बच्चों ने फीसा भराओ पर जो मैंने आपकी तसली होंगी मैं किसी बच्चे के पैसे भराने हाले इंट्रस्ट नहीं है तो UK लिए तकरीबन हले 20 मई तक वेट करो। अज 7 मई हो गई है 12-13 दिन होर है 2 वीक होर वेट कर लो 20-22 मई तो बाद जो जलंधर या पंजाब जो लॉकडाउन खुल गया उस तो बाद मैं प्रॉपर इस सवाल का जवाब दे पाऊँगा कि तुम्हें ऑस्ट्रेलिया UK फीस भरनी चाहिए हले कि नहीं बट कैनेडा तुम फीस अपनी भर सकते हो सब UK लिए हले 20 मई तक वेट कर लो क्योंकि वैसे भी सितंबर इनटेक हाले मई चल रहा है तुम जून च भी अपनी फीस भर देंगे तो भी सितंबर इनटेक नहीं निकल लगा। फिलहाल तुम अपनी ऑफर लैटर अप्लाई करो जी यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू लेनी है वो इंटरव्यू क्लीयर करो जो बाकी लीगल फॉरमैलिटी पूरी कर यूनिवर्सिटी के तुम जी अनकंडीशनल ऑफर लैटर लैन ली वो जरूर पूरी कर लो। गुरु राजपूत थैंक यू जी। मनप्रीत कौर सर IELTS एग्जाम की कोई अपडेशन है। बड़ा वधिया सवाल मनप्रीत मैं भुल गया सॉरी मनप्रीत कौर ता रियली थैंक यू। IELTS के बारे मेरी कैनेडा च मेरे जो रात में दफ्तर गल हुई थी जितने जो ICCRC मैंबर ने मेरे इमीग्रेशन लॉयर ने उस तो अलावा भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी गल हो रही है ऑस्ट्रेलिया भी मेरा ऑफिस है उत्तर महारा एजेंट से गल हो रही है मैं ग्रुप का ना नहीं लिया पाऊंगा बड़ा व्डा ग्रुप है एजुकेशन का तकरीबन वो कैनेडा भी ऑस्ट्रेलिया भी UK भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है उस ग्रुप दियाँ उन्होंने IELTS की वैलिडिटी 4 साल कर दी है। मैं ब्रिटिश काउंसिल और IDB की गल नहीं कर रहा वो उत्ते अज भी IELTS की जो वैलिडिटी 24 महीने होंगी 2 साल होंगी है बट देर आर सम यूनिवर्सिटीज देर आर सम कॉलेजेस जिन्होंने IELTS की मानता 2 साल तो वधा के 4 साल करती क्योंकि उन्होंने लगता है कि आ हले आने 6 महीने में एग्जाम होने पॉसीबल नहीं गए तो जे तो IELTS का सर्टिफिकेट एक्सपायर भी हो चुका है मार्च तो बाद अप्रैल मई के भी तुम उस एक्सपायर होए IELTS सर्टिफिकेट के बेस से भी आपकी उस यूनिवर्सिटी ऑफर लैटर लै सकते हो। वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और कि कंट्रीज़ ने उसकी लिस्ट मैं अपने फेसबुक पेज पर 24 घंटे बाद कल तक अपडेट कर देंगे बट IELTS की जी वैलिडिटी है वो 2 साल तो वधा के कई इंस्टीट्यूट्स ने 4 साल करती है। अंबैसीज़ की गल नहीं कर रहा या मैं IDB ब्रिटिश काउंसिल की गल नहीं कर रहा बट यूनिवर्सिटीज़ ने कॉलेजेस ने
उस 6 बैंड जो एक्सपायर सर्टिफिकेट है वो भी बच्चों दाखला देना शुरू कर दिता है, क्योंकि लगता है उन्होंने पता है कि आने वाले 6 महीने 7 महीने या साल लगता है हाले शायद आयल्स एग्जाम ना हो पाउण, क्योंकि हर शहर जिते आयल्स एग्जाम होंगे ने उस होटल के बड़ा रश हों, सो सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन कर चक्कर हाले रश तो बचा कर कोशिश करनी है। सो अगर तो आयल्स सर्टिफिकेट पिछले 6 महीने पहला या 1 साल पहला एक्सपायर हो चुका है तो भी तुम अपने उस विदा एक्सपायर हुए आयल सर्टिफिकेट के नाल भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज दाखला लेने हकदार। डिलोंगो बारे भी सवाल पूछना, मैं पता होना सी भाजी डिलोंगो इंग्लिश टेस्ट बारे दसो यार, बहुत सारे कंसल्टेंट अपने अपने लैवल से प्रमोट कर रहे जिन्हों जिदा समझ लग रहा, बट असी हाले प्रमोट करना नहीं शुरू किया, मे बी शायद असं भी कर दीए, बट फिलहाल कैनेडा अंबैसी वालों में वैलिड नहीं है, सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटीज इनू दाखले लिए एक ताड़ा आयल्स का गुजारा कर रहे हैं, बट अंबैसीज ने हाले इनू वैलिड नहीं मनिया। यस इस कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में जोड़ा डोलिंगो टेस्ट है शायद अंबैसी वालों मानता प्राप्त हो जाए, जे मैं पी टी की गल करा वो तुम एस डी एस कैटेगरी पी टी नहीं लॉज ना लॉज कर अपलोड कर सकते, जो तुम फॉर्म भर दौ एप्लीकेशन लॉन्च करते हो उदो एस डी एस कैटेगरी की एप्लीकेशन केवल तो आयल्स का सर्टिफिकेट ही अटैच होंगे, जो पी टी तुम्हें की है पी टी सर्टिफिकेट अटैच नहीं होंगे। सो जिस बच्चे के आयल्स के 6 PT 6 बैंड ईच हैगे भी ने, चाहे वे 52 ईच ने या 60 मार्क्स ने या 58 मार्क्स ने, तो भी एस डी एस कैटेगरी अपलाई नहीं कर सकता, बट नॉन एस डी एस कैटेगरी भी पी टी असी बथेरे वीजे ले ने। सो शायद योजे चांसिस ने, क्योंकि आयल्स का कोई ना कोई फेरबदल अल्टरनेटिव जरूर मार्केट आना जरूरी सगा, तो हो सकता शायद अंबैसी जी कैनेडा दी आस्ट्रेलिया दी ने भी आने समय से पूरे अपने मापदंड ध्यान च रखते हुए पैरामीटर ध्यान च रखते हुए ड्यूलिंगो टेस्ट में भी शायद इनू मानता दे दें, बट हाले ये बोलना कि वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा ये थोड़ा जहा सवाल का जवाब देना औखा, बट समय के मुताबिक शायद जो हालात चल रहे हैं ड्यूलिंगो टेस्ट में भी वीज़े आने शुरू हो सकते हैं, बट फिलहाल तुम अगर ऑफलाइन अप्लाई करनी है तो यह आयल्स का गुजारा जरूर करा सकते। सर वीज़ा अभी तक नहीं आया, अंबैसीज की इस टाइम प्रोसैसिंग काफ़ी डिले है जी, जो उनका लॉकडाउन चल रहा साढ़े कैनेडा के 3 रिफ्यूजल आए हैं तो 3 ही वीज़े आए हैं, उस तो बाद हाले कोई होर रिजल्ट नहीं आया, तो हाले आप कोई नवे केस भी अपलोड नहीं कर रहे जब तक दफ्तर पंजाब के लॉकडाउन नहीं खुलता। सो नहीं हाले वीज़ा है तो हाले वेट करो दोस्त, हाले वीज़े का समा नहीं, हाले ऑफलाइन अपलाई करने का समा, विदाउट आयल्स कैनेडा स्टडी वीज़ा लग रहे हैं सर, हाले तो नहीं लग रहे जी, बट जे लगने शुरू होंगे तो मैं अपने फेसबुक जरूर दस देंगा, लगता कि कॉलेज अपनी आयल्स की रिक्वायरमेंट शायद घटा दें, ये भी मेरी कई कॉलेज डिस्कशन हो रही थी, जिवें पहला 6 ई चाहिए होंगे से या 6 ओवरऑल 5.5 ई चाहिए से, उत्थे कई कॉलेज कुछ कोर्सेज अपनी आयल्स की रिक्वायरमेंट घटा के 5.5 भी कर रहे हैं 6 की बजाय, बट ये ऑफिशियल जी अनाउंसमेंट वो हाले वेट करनी जरूरी है। सो हाले विदाउट आयल्स कैनेडा के लिए कोई अपडेशन साढ़े को नहीं है, मार्च का फाइल है, मार्च का फाइल है सर वेट करो हाले सितंबर इनटेक तो पहला नहीं जा पाऊंगे। हरमन सिंह का सवाल है सर मैं थोड़े को कैनेडा कॉलेज में मेन टेक अप्लाई किया, हूँ मैं ये पूछना चाहता कि तुहाड़ी टीम मेरा इनटेक आप ही सितंबर में डेफर कर देगी या मैं आप कैनेडा कॉलेज ईमेल नहीं बदर, तुम कुछ करने की लड़ नहीं, तुम सू अपना अगर तुम अधिकार दिते ने तो बेसिस से असी कॉलेज प्रोपर राबता काम करके बैठे, सो तुम किसी तरह का कुछ आप डेफर करने की लड़ नहीं, कॉलेज में मेल करने की लड़ नहीं, मेरी टीम जी एडमिशन टीम च मैडम डॉली है वो तुहाडे केस नूं ऑटोमैटिकली सितंबर इंटीग्री डेफर कर देगी, फिर भी तुसीं एक बार डॉली नगर गल करना चाहते हो तो 7528877877 इस नंबर पर कॉल करके मेरी कैनेडा वाली टीम नाल गल कर सकते। सुखजीत चौहान गुड सर थैंक यू जी, नव कोतरा कहिंदे सर मैं बी टैक इलैक्ट्रीकल की है जी नवंबर 2018 तो इस तों बाद ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਲਗਾ ਦਿਉ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਐਸ ਓ ਪੀ 'ਚ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਭਾਲਦੀਆਂ, ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੇਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਓ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸੱਚ ਅਗਰ ਐਸ ਓ ਪੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਜੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਹੂ ਜੀ ਆਫਟਰ ਬੀ ਟੈਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਬੀ ਟੈਕ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀ ਟੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਮੈਸਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
70509 70509 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕੋਰਸ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਲੂਥਰਾ ਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਊਂਗਾ ਨਾ। ਡੋਲੈਂਗੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਹਾਲੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟੈਸਟ ਦੋਸਤ, ਬਟ ਆਫ ਲੈਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੈਂਗੋ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਓ। ਸਰ ਜੋ ਫਾਈਲ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਲੋਚ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਕੇਸ ਲਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬੜੇ ਸਲੋ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਲਡ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਹਾਲੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤ। ਹਰਸ਼ ਪਗਾਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾ ਵਰਮਾ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਅੰਜੂ ਕਾਜੂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਔਫਰਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 12ਵੀਂ 'ਚੋਂ 60% ਨੰਬਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 12ਵੀਂ ਦੇ 60% ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਟਸ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ 12 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੇ ਨਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ 7 ਲੱਖ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ 25-26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ, ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਫ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੂਰ ਕਰੋ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਈਪ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਔਫਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ GT ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ COs ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਔਫਰਸ ਲਈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਦੱਸੋ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਲੂਥਰਾ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਦੋਸਤ, ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ, ਸਰ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਰਸਨਲ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਬੈਟਰ ਆ ਦੋਸਤ 70509 70509 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਸੋ ਸੋਰੀ ਫੋਰ ਦੈਟ। ਚਾਂਸਿਸ ਫੋਰ ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਯੂਕੇ 70% ਯੈਸ 30% ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਪਰਪਸ ਸੇਫਟੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 70% ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਚੱਲੇਗਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ 'ਤੇ ਰਹੀ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪਟੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਆਫ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਫੀਸ ਹਾਲੇ ਨਾ ਭਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20-22 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਯੂਕੇ 'ਚ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਇਲਟਸ ਇਗਜ਼ਾਮ ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ, ਇਸ਼ਮਿਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹਾਲੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕਰਤੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਟਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਗੈਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਲੈਟਰ ਫਰੋਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਲਜ। ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰ, ਆਈ ਹੈਵ 5.5 in 2 ਮੋਡਿਊਲਸ, ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ, ਕੈਨ ਆਈ ਅਪਲਾਈ ਫੋਰ ਕੈਨੇਡਾ? 2 ਮੋਡਿਊਲਸ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਅਪਲਾਈ ਫੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਯੂਕੇ, 1 ਮੋਡਿਊਲ 'ਚੋਂ 5.5 ਹੈ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ, ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੋਡਿਊਲ 'ਚੋਂ 5.5 ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਇਲਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਚੂਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰ, PT ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ? ਮੇਰੀ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 70509 70509 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੈਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਜਨ ਸਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ? ਦੋਸਤ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਚੰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਵਿਨਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ
ਜੇ 10 ਪਿੱਛੇ 7 ਵੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 8 ਹੋਣਗੇ 9 ਹੋਣਗੇ ਸਕਸੈਸਡ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਕਸੈਸਡ ਵਧੇਗਾ ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਸਪਤੰਬਰ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਲਾਈਵ ਰਵਾਂਗਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ 6 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਡੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਐਨਓਏਸ ਬੋਰਡ ਓਪਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਓਪਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਸਰ ਕਲਾਸ 12th 2018 ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਗੈਪ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ 2018 ਪਲੱਸ ਟੂ ਛੱਡ ਕੇ 2016 'ਚ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚੋਂ 5.5 ਦਾ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ 55% ਉੱਪਰ ਆ ਯੂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸਮਿਤ ਕੌਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਹੇਗਾ ਬਟ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਮਈ ਦੇ ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਲੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖ ਕੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੇਫ ਰਹੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਦਫ਼ਤਰ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਹੱਥ ਵਾਰ ਵਾਰ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੌਖਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਮਦਨ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦਿਖਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਿਖਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 38 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਧੰਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਜੂਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਔਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ 4 ਜੇਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮਿਲੂ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਸੋ ਉਸ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਪੈਸਾ ਚੰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਔਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ